हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आप रैम और स्टोरेज को क्लीन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, मेरे पास है वीवो का फ़ोन और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में घंटे का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको रैम स्टोरेज क्लियर करने के लिए सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोर का, तो मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा आपका एक्सेसिबिलिटी, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेगा, तो आपको फाइंड करना है वो वाला ऑप्शन जिससे आप इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉक बैक वगैरह आपका लग जाता है तो उसको भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप डेट एंड टाइम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो बैक करने के बाद आया हूँ यहाँ पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन और यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये रैम दिखेगा और यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। रैम देख सकते हैं, रैम क्लीन हो गया। आप इसी तरीके से स्टोरेज भी क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसडी कार्ड दिखेगा, मेरा डला हुआ नहीं है तो अभी नहीं दिख रहा है। अब क्लीन स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज को कर सकते हैं क्लीन, और इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं सभी कैच फाइल को यहाँ से क्लीन करके डिलीट कर देता है, डन करके। तो अभी कोई ज़्यादा कुछ है नहीं इस पर, इसी वजह से ऐसा दिखा रहा है। वैस इसी तरीके से रैम एंड स्टोरेज को आप क्लीन कर सकते हैं, एक क्लिक में फाइल वगैरह डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। इस पर क्लिक करके आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ऑल को क्लिक करें, इसी तरीके से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं शुरू, तब तक के लिए नमस्कार।